Hello, my name is Devasagar and I'm a second year medical student at Medical College Basti. Today I'm visiting GSVM Medical College Kanpur. So I'll be making a vlog here today. So let's take you to the campus tour. BH1 मतलब ठीक है दीप्तमा इधर देखिए अब GSVM की BH1 के छत पे इतनी हरियाली है यहाँ इतनी हरियाली है जिस हरियाली को लोग ढूंढने के लिए कहीं जगह भटकते हैं कोई मनाली जाता है कोई लेह लद्दाख जाता है आप हमारे छत की छत पर से देख सकते हैं आपको बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी और यही खास बात है कि ये घने दूषित और शोर से भरे हुए कानपुर को इतना दूर कर देती रहता है कोसों दूर आ गए हम इस कानपुर से इतनी शांति रहती है इधर देखिए आप लोग उनका BH2 है इस पर खड़े हम लोग BH1 है देख रहा यहाँ से वहाँ तक अपना BH1 है पूरा BH2 है ये हमारा हिडन गार्डन है तीन चार गार्डन की सबसे खास गार्डन यही है हिडन गार्डन सारे हॉस्टल के बीचों बीच है इधर जो मेडिकल जीवन को खुशी खुशी जी सकें उसी ज़माने में इसे चाह सिखाया जाता था ग्राउंड में क्योंकि ये कोसों दूर था कि कुछ लोगों की पहुँच थी अब तो देख ही रहे कि हाल हो चुका है देख सकते हैं आप लिखा है लेक्चर थिएटर 1-4 मतलब 1-4 चार साल के बच्चे होते हैं MBBS में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हाँ ये उनके लिए चार रूम बने हैं बड़े बड़े ठीक है इसमें जानते हैं बच्चे क्या करते हैं एक घंटे के लेक्चर होते हैं उसमें उसके बाद अपना LT 3 और 4 है चार LT है 1-4 ये 3-4 है बीच में गणेशन स्क्वायर है जगह यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल होता है उसके बाद यहाँ अपना ऑडिटोरियम है मस्त फंक्शन सेलिब्रेशन सब होता है उसके आगे जाओगे तो LT 1 और 2 मिलेगा फिर चार LT है ये इधर वाला गणेशन स्क्वायर है यहाँ पे क्या होता है हमारा तरंग का जो इंडियन फेस्टिवल होता है तो मेनली यहीं पर सेलिब्रेशन होता है अच्छा यार पूरा टेंट लगता है स्टेज लगते हैं सब मस्त मज़ा आता है ये ऑडिटोरियम है अच्छा दो गेट इधर से है उधर पीछे गेट है ये पूरा वहाँ तक है नया बना ऑडी पुराना नहीं है ठीक इधर तरंग 2019 हुआ था नून फेस्टिवल ये वॉल पेंटिंग होता है इधर रोड पेंटिंग होती है सारी हर बैच अपना बना अपना अपना बनाता है उसको एक थीम मिलता है उस थीम पे एक पेंटिंग बनानी होती है तो ये सब जैसे वहाँ पैरा केटू ने बनाया हमारे सीनियर्स ने 2018 बैच ने बनाया है जैसे उधर है हम लोगों ने उस साइड बनाया था इधर सीनियर्स ने बनाया था और यहाँ पे हम लोगों ने वो बनाया था तरंग 2K29 लिखा हुआ था यही सब है अपना और बाकी इधर पूरे अपने लैब्स हैं यहाँ पे लैब अपना ये अपना कोविड रिसर्च सेंटर है जहाँ पे बड़ी कड़ी मेहनत करते थे हमारे प्रोफेसर्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसर्च करते थे मस्त बड़ा सा ग्राउंड है इतना बड़ा ग्राउंड है ना फुटबॉल क्रिकेट सब इकट्ठा खेलते हैं इसमें ठीक है दूंगा ए कार्लोस कलीम ए कलीम यो ब्रो ये कार्लोस कलीम फास्ट बॉलर है हमारा या ब्रो फास्ट बॉलर सिर्फ फोड़ देता मार के ये वही टंकी है जहाँ शोले मूवी शूट हुई धर्मेंद्र ऊपर चढ़ा था ना हाँ हमें नहीं मिली तो मैं कूद जाऊंगा और ये देखा अभी तो मरेगा नहीं नीचे घास है और ये अपना वही है जहाँ क्लास चलती है घंटे भर लौंडे क्लास के नाम पे आते हैं और सोते हैं मस्त कुछ तकिया भी लेके आते हैं बैग में जो साथी रहते हैं थोड़े कुछ बेंच पे सोते हैं कुछ बेंच के नीचे सोते हैं फर्क इतना है लेकिन सोते सब हैं एक्सेप्ट वहीं स्टार्टिंग के 4-5 सीट वाले अब उनको क्या कहते हैं आपको पता ही है हमारे कॉलेज में फेमस है हैशटैग जिंदगी GSVM ओके यही जिंदगी GSVM है कुछ जिंदगी विंदगी कुछ नहीं है है सब समस्या ही पर लोग समस्या ना बोले इसके लिए उसका मीम बना के बोलते हैं हैशटैग जिंदगी GSVM इनके बारे में कुछ बताइए गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में इन्हीं के नाम पे तो हमारा कॉलेज बना हुआ है श्री गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय हम देख सकते हैं कुछ बताइए इनके बारे में
चंद्रशेखर विद्यार्थी जी, उनका पावन जन्म भी इसी धरती पे हुआ कानपुर के जी। समाधि भी इनकी यहीं पे हुई। स्वतंत्रता सेनानी है हमारे देश के, ये बहुत बड़े, जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छिड़ा हुआ था हमारे देश में, ये अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। ये पब्लिशर थे न्यूज़पेपर के, और बाकी बहुत लोगों के साथ काम किया। चंद्रशेखर आज़ाद लोग थे जब वो आए थे यहाँ पे कानपुर में, आए थे तो उन सबके साथ ही इन्होंने काम किया है। किसकी सैम्पलिंग होती है यहाँ पे? अपना तो हॉस्पिटल साइड वाला अस्पताल है, जब उन्हें कोई चेकअप टेस्ट कराना होता है, अंदर लैब पूरा प्रॉपर टेस्टिंग वेस्टिंग सब होती है यहीं पर। जितने भी टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में करा सकते हैं, सर डेंगू मलेरिया बाकी सारे जो डिपार्टमेंट वाले भेजे जहाँ भेजे। ये एंट्री है अपने कॉलेज का मेन एंट्री, यहाँ से एंट्री करेंगे आप, जैसे जाएंगे अपने हॉस्टल्स मिलेंगे, बॉयज हॉस्टल्स गर्ल्स हॉस्टल्स और ग्राउंड राउंड सब, और यहाँ से उधर चले जाएंगे तो अपना मेन एकेडमी ब्लॉक मिल जाता है हॉस्टल कॉलेज का, जो प्रिंसिपल इंस्पेक्टर सबसे जेंटली टी वी एस पीछे का रास्ता अपना, मतलब मेन एंट्रेंस जैसे पीछे ने मेन एंट्रेंस दिखाया था, इधर से बैक डोर अपना जीओ में आने का, पीछे से ये वाला वो गेट है, ठीक है, अपना LT12 यहीं बगल में, ठीक है, और अपने कॉलेज का बैंक है SBI बैंक है। बाकी यहीं से इधर चले जाओगे तो अपना वही मिलेगा ऑडी गणेशन स्क्वायर LT34 मिल जाएगा। 1 इधर है, 3-4 इधर है, बीच में ऑडियो गणेशन स्क्वायर, और एकदम उधर जाने पे बॉयज हॉस्टल वगैरह है, पूरा बॉयज हॉस्टल पर जाएगा, बीच में ग्राउंड है बड़ा सा, ग्राउंड के उधर सारे अपने प्रोफेसर का वो सब है, ठीक है, इधर अपना जीएस वाला लेना गर्ल्स हॉस्टल वो उधर गर्ल्स हॉस्टल के लिए जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, सारे गर्ल्स हॉस्टल वहीं पे हैं, हाँ सारे गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी मिला है, ठीक। डिपार्टमेंट कोई भी चल रहा है।